Hey everyone, what's up? This is Megharvit and today's video it's all about information disclosure vulnerabilities. आप सबने नाम सुना ही होगा वास्प प्रॉक 10 का. सो उसमें से एक वल्नरेबिलिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर. सो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे. और यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको PHP या फिर सी लैंग्वेज या फिर पाइथन सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे. अगर आपको सीखना है तो आप वो भी जाके एक्सेस कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी के बारे में. सो आप सबको पता ही होगा कि इंफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज़ एन इंफॉर्मेशन. और इन्फॉर्मेशन अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की बात करें तो उसमें आता है क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आता है, या फिर कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड की लिस्ट आ सकती है, या फिर कोई API की आ सकती है, IP एड्रेसेस आ सकते हैं, DNS का रिकॉर्ड, सब डोमेन, वो सब कुछ आ सकता है इन्फॉर्मेशन के अंदर. या फिर कोई भी हिडन डायरेक्टरी हो सकती है और उसमें उसके अंदर कोई भी इमेजेस, सेंसिटिव इमेजेस हो सकते हैं, या फिर कुछ भी इमेजेस सेंसिटिव डेटा जो भी हम कह सकते हैं, अगर वो डेटा ब्रीच होता है, वो डेटा हम अनऑथोराइज एक्सेस कर सकते हैं. डेवलपर हमें दिखाना नहीं चाहता है बट हम देख सकते हैं उसको, तो उस टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी को हम बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी. अगर आप बात करें यहाँ पे कोई भी वेबसाइट के बैकएंड के सोर्स कोड की, अगर आपने कोई भी वेबसाइट का सोर्स कोड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल यू करके, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब का पूरा सोर्स कोड है, बट यहाँ पे आपको कहीं पे भी PHP का कोड नहीं दिखेगा, या फिर उसने जिसमें भी बैकएंड लिखा हुआ है उसका कोड आपको नहीं दिखेगा. सो अगर हम वही कोड को हासिल करने में सक्सेसफुल होते हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन लीक होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन हम लीक कर सकते हैं. सो बेसिकली शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर इट मीन्स इन्फॉर्मेशन लीक या फिर डेटा ब्रीच. यहाँ पे आपने कई सारी न्यूज़ सुनी होगी कि इतनी बड़ी कंपनी का यहाँ पे डेटा ब्रीच हो गया है और डेटा डार्क वेब पे रख दिया है वो बेचने के लिए, या फिर कोई भी जो अभी रिसेंटली एक डेटाबेस लीक हुआ था 2 GB के आसपास सारे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नंबर लीक हुए थे, आपने न्यूज़ में शायद सुना होगा, और अराउंड 2 GB का जो डेटाबेस था उसको डार्क वेब में बेचने के लिए रख दिया था. सो उस टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी को हम बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी. आप देख ही सकते हैं कि यही वल्नरेबिलिटी कितनी बड़ी दिक्कत ला सकती है एक वेबसाइट के लिए या फिर कोई भी एक वेब एप्लीकेशन के लिए. सो यहाँ पे अभी ज़्यादा बकबक न करते हो, डायरेक्ट उसको एक्सप्लोइट किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे हम पोर्ट्स फिगर पे जाएंगे और पोर्ट्स फिगर के अंदर यहाँ पे हम डायरेक्ट ही पोर्ट्स फिगर के अंदर हम आप देख सकते हैं इतनी सारी लैब है और उस लैब में हम एक्सेस करेंगे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर को. लास्ट में आई थिंक है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, सो हम एक्सेस कर लेते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी कैटेगरी है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर के बारे में. यहाँ पे मैंने एक लैब भी सॉल्व की हुई है और यहाँ पे आप 5 लैब देख सकते हैं. सो यहाँ पे हम कोई भी लैब ले लेते हैं और उस लैब के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको लीक कर सकते हैं. सो यहाँ पे कहना क्या चाहता है, दिस लैब कंटेन टू डिबग पेज क्लोजेज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन टू सॉल्व द लैब ऑब्टेन टू सबमिट सीक्रेट की एनवायरमेंट वेरिएबल. यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे उसका जो सारा आप देख सकते हैं वो सॉल्यूशन है और यहाँ पे हम एक्सेस कर लेते हैं उसको. जैसे ही हम एक्सेस करेंगे वैसे ही यहाँ पे एक हमें एक साइट मिलेगी, उस साइट को हमें एक्सप्लोइट करना है. बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइट को हमें एक्सप्लोइट करना है. अभी कोई भी साइट को एक्सप्लोइट करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है. सो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी की बेसिक बात अगर मैं करूँ आपको इस टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी में, तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा. अगर आपने यहाँ पे जेनमैप एनमैप करके यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन ली हुई है, या फिर उसका सोर्स कोड आपने पूरा का पूरा छान लिया है, या फिर कोई भी आपने अलग अलग लिंक देके या फिर हिडन डायरेक्टरी ढूंढ ली है, तो जितनी ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन गैदर करी हुई है इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा और उतना ही सबसे पहले आपको बग मिलेगा.
और अगर आपको नहीं बताया तो मैं बता दूं कि बड़ी बड़ी साइट में अगर आप ऐसे वर्क ढूंढते हो तो आपको बड़ी बाउंड्री भी मिलती है। सो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहला काम हम करते हैं सोर्स कोड को ही देख लेते हैं, उसमें शायद अगर कोई भी हिंट मिले तो हम उस हिंट को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी हिडन डायरेक्टरी अगर कोई भी हिंट में हमें मिलती है तो उसको हम डायरेक्ट ही एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजेस का भी अगर फोल्डर होगा आप यहाँ पे देखेंगे और स्लैश करके आप इमेजेस लिखेंगे तो नॉट फाउंड आया है, यानी यहाँ पे कोई भी इमेजेस का फोल्डर नहीं है। यहाँ से हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इमेज मिल गया आपको। और इमेज और यहाँ पे अगर हम इस डायरेक्टरी के अंदर जाए तो नॉट फाउंड, अभी आप देख सकते हैं कि इमेजेस के अंदर हम नहीं घुस सकते हैं। यहाँ पे नॉट फाउंड लिखा हुआ है कि कई सारी साइट में फॉरबिडन लिखा हुआ होता है, कई सारी साइट में प्राइवेट पेज लिखा हुआ होता है। सो यहाँ पे कई सारे ऐसे पेजेस होते हैं जिसे हमें छुपाना होता है, जिसे यहाँ पे यूज़र नहीं देखे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, यूज़र को हमें दिखाना ही नहीं चाहिए। और ऐसा डेटा यूज़र देख के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, बट कोई अटैकर होता है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा कोई फोल्डर हमें ब्रीच हुआ या फिर ऐसा कोई फोल्डर हमें मिल जाता है तो उसके लिए तो फायदा ही है और बग भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे सोर्स कोड के अंदर और यहाँ पे आप कमेंट में देख सकते हैं एक लिंक दी हुई है और उसमें CGI बिन फोल्डर, CGI बिन बेसिकली सारी साइट में होता है और कई बार जो भी डेवलपर होते हैं उस इस फोल्डर का नाम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता ना चले, और कई सारे डिफ़ॉल्ट जो भी फोल्डर होता है वही नाम रखते हैं और उसके अंदर एक फाइल भी है, शायद हमें इससे मदद मिले। तो हमें पासवर्ड ढूंढना है बेसिकली। सो हम पहले CGI क्या था, CGI बिन था शायद। सो उसमें हम देखें, आप देख सकते हैं हमने इस फोल्डर को एक्सेस कर लिया है और इसके अंदर जो भी फाइल होगी हम सारे डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो PHP इन्फो डॉट PHP के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी आपको मिल गई है। आप देखें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखी हुई है। सो इस तरीके से हम कोई भी अगर ऐसा कोई सेंसिटिव डेटा हम देख लेते हैं तो उसे हम बग ही कह सकते हैं और उसको हमें सबमिट करवाना होता है, जो भी बग बाउंटी जो भी मिलती है हमें उसकी उसके अंदर हमें सबमिट करना पड़ता है। यहाँ पे कोई दूसरी लैब यहाँ पे हम देख लेते हैं, शायद उसमें भी इस तरीके का ही कुछ होगा और यहाँ पे वैरायटी पूरी दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर एरर मैसेज, एरर मैसेज इट मीन्स अगर आपने कोई भी इनपुट डाला है और उसमें एरर आया है और उस एरर के अंदर आपको कोई भी टेबल का नाम या फिर कोई भी कॉलम का नाम मिल गया है तो आप आसानी से पता चल लगा सकते हैं कि यहाँ पे इस टेबल को यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे SQL है कि नो SQL है, वो सब अच्छे से आप पता लगा सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ये सॉल्व की थी, अब मैं इसको ही बता देता हूँ आपको। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सेस करेंगे और एक्सेस करने के बाद आपको एक लिंक मिलेगी, उसी लिंक के अंदर हमें ढूंढना है। यहाँ पे मैं बात लगभग कर दूँ, यहाँ पे robot.txt की बात आएगी। यहाँ पे कोई भी साइट अगर आप लेंगे, कोई भी साइट XYZ आपको कितनी भी दुनिया की बड़ी साइट ले लेंगे उसके अंदर आप जैसे ही \ करके robots.txt लिखेंगे आपको एक फाइल देखने को मिलेगी। यहाँ पे डिस अलो और यूज़र एजेंट ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, कई साइट में उसका साइट मैप रखा हुआ होता है। सो यहाँ पे हमें बैकअप फोल्डर मिल गया है, बैकअप फोल्डर यहाँ पे डिस अलो है, बट यहाँ पे हम चेक करेंगे कुछ है कि नहीं है उस फोल्डर के अंदर, इसे हम एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं पता है robot.txt क्या है तो मैं उसके बारे में भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे बैकअप फोल्डर को हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं बैकअप फोल्डर यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर यहाँ पे जावा का पूरा बैकएंड लिखा हुआ है, जावा लैंग्वेज के अंदर, नॉट अ जावा स्क्रिप्ट। सो यहाँ पे हमें पासवर्ड ढूंढना है। सो यहाँ पे हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ पासवर्ड जैसा लग रहा है, कोई की जैसा लग रहा है, उसको हम कॉपी मार के हमें ट्राई कर रही है, बस हमें कई सारे ट्राई करके यहाँ पे देखना है अलग अलग जगह पे कि ऐसा हो सकता है, हम गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं, और यहाँ पे तो सही है बिकॉज मैंने सॉल्व करा हुआ है पहले भी।
सो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है हमारा। सो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए ताकि हमें पता चले। और यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो उससे रिलेटेड आप कमेंट करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें बताइए कि हम कौन से टॉपिक पे वीडियो लाए। सो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ।